इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्विच किसे कहते हैं। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। किसी भी एक नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये तमाम डिवाइसेस अगर आपस में डाटा शेयर करना चाहती हैं तो उन्हें दरमियान में एक ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी डिवाइस की जो उनका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। इस सेंट्रल डिवाइस को कहा जाता है स्विच। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं स्विच डिवाइस आपको दिखाई गई है। अब ये स्विच जो है ये दरअसल क्या करता है कि ये जो भी डिवाइसेस इनके साथ कनेक्टेड होती हैं ये उनका हार्डवेयर एड्रेस जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसके बाद ये क्या करता है कि जो भी ये डाटा रिसीव करता है उसे ये प्रोसेस करता है और फॉरवर्ड कर देता है डेस्टिनेशन डिवाइस में, यानी इसके अंदर जो सेंडिंग डिवाइस है पहले ये उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर वहाँ से जो डाटा इसको रिसीव होता है उसके अंदर डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस मौजूद होता है, ये वहाँ पर उसको फॉरवर्ड कर देता है। अब अगर हम इसे OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की पे बात करें तो ये दरअसल काम करता है डाटा लिंक लेयर की पे। डाटा लिंक लेयर जो कि हमारे नेटवर्क एड्रेस पे काम करती है जिसमें हर डिवाइस का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम उस डिवाइस को पहचान सकते हैं, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं, उसे ये आइडेंटिफाई करती है और इस तरह से ये डाटा ट्रांसमिट करती है। स्विच के अलावा एक और डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसे हब कहा जाता है, लेकिन स्विच जो है ये हब के मुकाबले में ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मौजूद जो इसका सर्किट है, इसका जो इंटरनल सर्किट है वो इंटेलिजेंटली वर्क करता है और वो तमाम डिवाइसेस जो कि इसकी पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होती हैं उन तमाम डिवाइसेस का एड्रेस जो होता है वो एक टेबल में स्टोर करता है जिसे मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। इस स्विचिंग डिवाइस के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो ये एरिया नज़र आ रहा है ये दरअसल इसकी पोर्ट कहलाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी डिवाइस हमने कनेक्ट करनी होती है उसे हम ईथरनेट की वायर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे उस डिवाइस को इस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेट सपोज़ कि अगर आपने 12 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं एक नेटवर्क में तो हम क्या करेंगे उन तमाम 12 नेटवर्क्स जो हैं उन तमाम को इस पोर्ट में हर कंप्यूटर को इस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब स्विच की वर्किंग को इस डायग्राम से भी समझा जा सकता है। ये दरअसल एक लोकल एरिया नेटवर्क है और यहाँ पे जो आपको सेंट्रल में एक डिवाइस नज़र आ रही है ये दरअसल हमारा स्विच है। अब स्विच जो है वो क्या करता है यहाँ पे कि जितने भी कंप्यूटर जिनकी हमने बात की वो तमाम कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसके साथ यहाँ पे एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है। अब इस प्रिंटर के कनेक्ट होने का देखें यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि इसके ज़रिए आप क्या कर सकेंगे कि यहाँ से जो भी कंप्यूटर अपनी प्रिंटर को कमांड देगा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाने के लिए तो स्विच जो है उसे रिसीव करेगा और फॉरवर्ड कर देगा उसे प्रिंटर की तरफ और इस तरह से एक प्रिंटर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर जो है उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस स्विच के साथ हमने राउटर डिवाइस भी कनेक्ट की है जिसके ज़रिए हम अपना डाटा मल्टीपल और दूसरे कंप्यूटर्स तक आगे पहुँचा सकते हैं वायरलेसली। अब ये जो स्विच है इस स्विच में और जो इससे पहले हमने हब की बात की थी हब में भी मुकम्मल तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक डिवाइस के साथ, लेकिन जैसे ही एक कंप्यूटर अपना डाटा सेंड करता है उस डिवाइस को तो हब क्या करता है कि उस डाटा को तमाम डिवाइसेस को फॉरवर्ड कर देता है, जबकि स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच डाटा रिसीव करता है, उस डाटा को रिसीव करने के बाद आइडेंटिफाई करता है कि ये डाटा किस कंप्यूटर ने भेजा है, ये वो आइडेंटिफाई करता है पहचानता है मैक एड्रेस के ज़रिए और फिर जो डाटा रिसीव करता है उसे वो तमाम कंप्यूटर जो कि कनेक्टेड होते हैं उन तमाम तक वो डाटा सेंड नहीं करता बल्कि उस कंप्यूटर को या उस डिवाइस को डाटा सेंड होता है जिसकी जानिब डाटा भेजा गया था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब इसी बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फिगर से इसको समझते हैं कि लेट सपोज़ यहाँ पे एक कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर ए ने अपना डाटा जो है वो सेंड करना है कंप्यूटर बी को। कंप्यूटर बी को उसने अपना डाटा सेंड करना है। अब दोनों कंप्यूटर्स ए और बी जो हैं ये एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं और स्विच के अंदर हमने जो पोर्ट्स हैं उनको हमने पोर्ट नंबर से शो किया हुआ है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये तमाम पोर्ट्स हैं। अब पहला जो हमारा कंप्यूटर है कंप्यूटर ए ये दरअसल कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 1 के साथ और इस वजह से इसका जो मैक एड्रेस है यानी इसका जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है
वो इस डिवाइस का, इस कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो आके इस स्विच के अंदर स्टोर हो जाएगा। और कंप्यूटर बी जो है ये इसकी पोर्ट नंबर 6 के साथ कनेक्टेड है, तो इसका जो बी का जो मैक एड्रेस है वो भी स्विच के मैक टेबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही कंप्यूटर ए अपना डाटा सेंड करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो स्विचिंग डिवाइस है वो रिसीव करेगा इसको यहाँ पे, और फिर जो डाटा सेंड हुआ है उसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो फाइंड आउट हो जाएगा, और वो क्या करेगा कि यहाँ से पोर्ट 1 से डाटा रिसीव होने के बाद इसे फॉरवर्ड कर देगा पोर्ट 6 में, और पोर्ट 6 से डाटा होता हुआ कंप्यूटर बी तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से एक स्विच जो है वो काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्विच होता क्या है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के बारे में आपको बताता चलूं कि हमारा जो एक कंप्यूटर है इसके साथ कनेक्टेड होता है इसका NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है कि कंप्यूटर में मौजूद जो डिजिटल सिग्नल है उसे वो आगे फॉरवर्ड करता है, और इस वजह से इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक ख़ास एड्रेस होता है जो कि इस पूरी मशीन को, इस पूरे हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करता है। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो एड्रेस है उसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं। इस एड्रेस की मदद से कोई भी डिवाइस जो है वो एक नेटवर्क के अंदर पहचानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्विचिंग डिवाइस नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है, ये क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है।